तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे मीम कॉइन्स के बारे में जिनसे हमने उम्मीद तो काफी ज्यादा रखी है, लेकिन इस मार्केट क्रैश में सभी बड़े कॉइन्स की तरह ही इन दोनों कॉइन्स की हालत भी काफी ज्यादा बुरी चल रही है। शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन, ये दोनों कॉइन्स अब तक के सबसे अच्छे मीम कॉइन्स हैं। अपने फंडामेंटल्स पर, अपने डेवलपमेंट्स पर, अपने हर तरह के प्रोजेक्ट पर इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। देखा जाए तो एक नॉर्मल बड़ा फंडामेंटल कॉइन जितना अच्छा काम करेगा उससे डबल ट्रिपल काम इन दोनों कॉइन्स की टीम ने किया है। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आती है, तब इन दोनों कॉइन्स में से कौन से कॉइन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन के बारे में। वैसे तो इस मार्केट क्रैश में इन दोनों कॉइन्स की हालत काफी ज्यादा बुरी चल रही है। रिसेंटली जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया तो सभी मीम कॉइन्स में काफी ज्यादा पंप देखने को मिला था, लेकिन इस समय सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट 10-20% तक नीचे आ चुके हैं। और जिन लोगों के पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, उन लोगों के दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों कॉइन्स में से या फिर सभी कॉइन्स में से सबसे बेस्ट कॉइन कौन सा है और कौन से कॉइन में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जल्दी दे देगा। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन मार्केट कैप में इन दोनों कॉइन्स की सिचुएशन की बात करें तो इस समय शिबा इनू कॉइन अपने प्राइस में 5-0 लगाता हुआ 9 की सीरीज पर चल रहा है। इस समय 13th रैंक पर है और वॉचलिस्ट के मामले में अब तक 17 लाख से ज्यादा की वॉचलिस्ट को ये पार कर चुका है। वहीं पर बेबी डॉज कॉइन इस समय अपने प्राइस में 8-0 लगाता हुआ 1 की सीरीज पर चल रहा है। रैंकिंग के मामले में 2 रैंक से ऊपर आ चुका है, यानी कि 221 रैंक पर आ चुका है। और वॉचलिस्ट की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा की वॉचलिस्ट को ये कॉइन मार्केट कैप में अभी के समय में पार कर चुका है। जब भी मीम कॉइन्स की बात होती है तो कम्युनिटी और फैन बेस के मामले में ये सभी कॉइन्स काफी ज्यादा रिच होते हैं। इस समय कॉइन मार्केट कैप में शिबा इनू कॉइन के फॉलोअर्स 1.1 मिलियन पूरे हो चुके हैं। वहीं पर बेबी डॉज कॉइन के फॉलोअर्स इस समय 132K होने वाले हैं। इस समय शिबा इनू कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं पर बेबी डॉज कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रिसेंटली 1.7 मिलियन फॉलोअर्स भी पूरे हो चुके हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर 2022 इन दोनों कॉइन्स के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि शिबा इनू कॉइन ने शिबा इटरनिटी गेम को लॉन्च किया था, वहीं पर बेबी डॉज कॉइन ने बेबी डॉज स्वैप को लॉन्च किया था। और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे। रिटर्न्स के मामले में बेशक शिबा इनू कॉइन बेबी डॉज कॉइन से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि शिबा इनू कॉइन ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को 99% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर बेबी डॉज कॉइन ने ऑलमोस्ट 95% रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम इस मार्केट क्रैश में इन दोनों कॉइन्स में से किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें रिटर्न करेगा। इसका सीधा जवाब है बेबी डॉज कॉइन, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन जब भी कोई डेवलपमेंट लाता है, चाहे वो किसी स्वैप से रिलेटेड हो, एनएफटी से रिलेटेड हो या फिर मेटावर्स में एंट्री से रिलेटेड, हर एक अपडेट का हमें इसके प्राइस में इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं पर शिबा इनू कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। मैंने खुद शिबा इनू कॉइन में जब ये कॉइन लॉन्च हुआ तब से इन्वेस्ट करके रखा है और मुझे काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, जब कोई भी कॉइन अपने जीरोस को किल करता चल जाता है तो पिछले जीरो को किल करने के लिए उसे जितनी ज्यादा मेहनत लगी थी उससे कई ज्यादा मेहनत उसे अगले जीरो को किल करने के लिए लगती है। इसलिए बेबी डॉज कॉइन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, केवल 1 साल हुए है इस कॉइन को लॉन्च हुए हुए और अब तक इस कॉइन ने अपने एक जीरो को किल भी कर दिया है, और बेशक आने वाले समय में ये अपने 2 या 3 जीरोस को जल्द ही किल कर देगा, लेकिन क्योंकि शिबा इनू कॉइन अपने 3 या 4 जीरोस को ऑलरेडी किल कर चुका है तो आने वाले जीरोस को किल करने के लिए इसे और ज्यादा समय लगेगा। और इस समय अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए कम समय में, तो हम इस समय बेबी डॉज कॉइन पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं शिबा इनू कॉइन के मुकाबले। ये एक छोटी सी थ्योरी है, ये पॉसिबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉइन को एकदम से पंप कर देते हैं और कॉइन अपने 2 या 3 जीरो को तुरंत ही गेल कर देता है। वहीं पर कुछ डेवलपमेंट्स का कॉइन के प्राइस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। तो इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बेशक बेबी डॉज कॉइन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट्स के मामले में ये दोनों कॉइन सेम तरह से वर्क कर रहे हैं।
इस तरह के बहुत सारे सिमिलर डेवलपमेंट्स हमें दोनों प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। बाकी डिसीजन पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपको जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है उस कॉइन के बारे में हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें और तभी उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लॉस झेलना ना पड़े। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।